हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 का अंग्रेजी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, राइट द हिंदी मीनिंग ऑफ रेनबो। रेनबो का मतलब क्या होता है? तो हिंदी मीनिंग इसका होता है इंद्रधनुष होता है। राइट द राइटर नेम ऑफ रेनबो, जो रेनबो पार्ट है उसके राइटर मतलब कवि का नाम बताना है जो भी हो। राइट द भोलाज वाइफ नेम, भोला की पत्नी का नाम बताना है जो भी हो। डिड द थक्स सक्सीड इन देयर प्लान, यस और नो? तो यस कर देंगे, वो अपने प्लान में सक्सेस हो गए थे, तो बताना है यस और नो। तो यस। अगला, क्लाइंब अ ट्री एंड सेट देयर दीपक और भोला, बताना है जो भी हो। हु डिड नॉट हैव अ वैलिड टिकट, जो भी हो। विनोद आल देयर द यंग मैन, बताना है। गिव द प्लूरल ऑफ मैंगो, तो मैंगो का प्लूरल हो जाएगा मैंगोज, एस लगा देंगे, क्या हो जाएगा? मैंगोज। गिव वन वर्ड फॉर वन हु ट्रेन अ हॉर्स, तो हॉर्स ट्रेनर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हॉर्स ट्रेनर। चेंज द वॉइस, इसको वॉइस को चेंज करना है तो वॉइस चेंज कर लेंगे। गिव द अपोजिट ऑफ वॉइस, वॉइस का अपोजिट क्या होगा, बताना है। राइट द नेम ऑफ द कलर, कलर के नाम बताना है। वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स, बताना है इसमें क्या होगा। हु ऑन द बेट, बैट कौन जीता था ये बताना है, जो भी जीता हो। अगले वाले में, वाई इज द अनीता वेरी एक्साइटेड टूडे, ये बताना। वेयर डू बोट्स एंड शिप्स सेल, राइट थ्री डिग्री ऑफ कंपैरिजन फॉर दीज एडजेक्टिव, गुड की, थिन की और बिग की तीनों डिग्री लिखना है जो भी हो। रीअरेंज करना है 17 वाले क्वेश्चन में, क्या करना है? रीअरेंज, तो जैसे इसमें विनोद लिव इन इंदौर, इसमें बताना है द यंग मैन वाज ड्रेस्ड पुअरली, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द यंग मैन ड्रेस्ड, तीसरे नंबर पे द यंग मैन ड्रेस्ड वाज पुअरली। आई लिव इन इंडिया हो जाएगा ये, इसका डूएज डायरेक्टिव दिए गए हैं। चेंज दो नरेशन में, इनको चेंज करना है। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में से चेंज करना है। यूज द करेक्ट फॉर्म द वर्ब गिवन, ये देख लेंगे। पिक द ऑड वर्ड एंड इनसर्कल इट, ऑड वर्ड में देखना है जो भी हो, उसमें सर्कल कर देना। तो इसमें नाइफ में हो जाएगा, थग, थीप, रोवर, होनेस्ट, तो इसमें होनेस्ट हो जाएगा। रिवर, पॉन्ड, सी और रोड, तो इसमें रोड में हो जाएगा। मैच द टू कॉलम्स, मैच करना है इसमें, तो अ हॉर्स क्या हो जाएगा, जो भी हो देख लेंगे। अ डंकी, और अ कैट का म्यू, अ डॉग का बार्क, अ लायन का रोर, अ शीप का, देख लेंगे, ये ऑप्शन दिए गए। 21वां क्वेश्चन में, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स गिवन बिलो, ऐसे लिखना है माय पेट एनिमल, बाल सभा या माई स्कूल पे, जो भी हमसे आता हो। और यहाँ पे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इन इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसे भी देख लेंगे। और अथवा मैं राइट एनी द 10 प्रपोजिशन जो भी आती हों उनके हमें नाम लिख देना है। तो दोनों ऊपर वाला प्रश्न भी देख लेंगे, नीचे वाला, इसमें इंग्लिश में ना चेंज करना है, नीचे वाले को 10 प्रपोजिशन के नाम लिखना है। तो ये 5 और ये से देख लेंगे।